subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इसका नाम है मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा की वीडियो जो है आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं मिनी पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इसका नाम है मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 250 ग्राम आपको पिज़्ज़ा की डो चाहिए होगी। पिज़्ज़ा की डो बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। 150 ग्राम मैंने चिकन लिए, चिकन को जस्ट मैंने पानी में बॉईल करके उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया। 150 ग्राम चिकन चाहिए होगी। ओरिगानो लीव्स आपको चाहिए होंगे। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली, उसको फाइनली मैंने चॉप कर लिया है, ये देखें बारीक बारीक। एक शिमला मिर्च ले लें और उसको भी बारीक कट कर लें जूलियन शेप में, और मैंने बिल्कुल बारीक कट किए हैं। ये देखें बच्चों को मोटी मोटी सब्जियां मुंह में जब आती हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक टमाटर ले लें, इसको भी बारीक कट कर लें, चकोर शेप में मैंने कट किया है। पिज़्ज़ा सॉस ले लें 4-5 टेबल स्पून, ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा आपको 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये देखिए पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ली है, मोजरेला चीज़ है ये, इसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। क्वांटिटी आप जितनी भी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून दही। तो चले मिनी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने एक पैन रख दिया चूल्हे के ऊपर और उसमें ऑयल डाल दिया है, 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने प्याज डाल दी है। मिक्स करेंगे, हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है हमने, हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसको लाइट गोल्डन नहीं करना, हल्का सॉफ्ट करेंगे बस। ठीक है, प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है, बस मैंने इसको 1 मिनट ही पकाया होगा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और मिक्स करेंगे। एक मिनट कुक करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट को। ये देखें 1 मिनट कुक किया अदरक लहसुन को। अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें दही डाल देंगे, दही लाजमी डालिएगा। दही से क्या होती है, चिकन हमारी जो है वो जूसी बनती है और सॉफ्ट बनती है। चिकन को बस हम ऐसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, क्योंकि चिकन तो हमारी ऑलरेडी जो है बॉइल्ड है, तो बस 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे जो नमक है और काली मिर्चें। मिक्स करेंगे। आप अगर इसके अंदर वो डालना चाहते हैं रेड मिर्च का पाउडर तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे इतना मिर्च नहीं खाते। अगर आप इसमें रेड मिर्च का पाउडर डालना चाहें, या अगर रेड मिर्च का पाउडर नहीं तो ग्रीन मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी पीस के भी डाल सकते हैं, और साबुत साबुत बारीक डाल सकते हैं ताकि बच्चों के मुँह में ना आए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, जाके इसको प्रेस कर दें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी होगा उसको प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बस मैं चिकन को 2 से 3 मिनट कुक करूँगी। ये देखिए चिकन को मैंने 3 मिनट कुक किया है और साथ ही मैं इसमें एक छोटी मैंने हरी मिर्च ली है उसको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे ताकि थोड़ा फ्लेवर जो है वो थोड़ा चेंज हो। इसको मिक्स कर देंगे और हमारी जो चिकन है वो रेडी हो गई है। पिज़्ज़ा की फिलिंग जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसको अब हम नीचे उतार देते हैं चूल्हे से। अब क्या करेंगे, हमारी पिज़्ज़ा की फिलिंग जो है चिकन वाली वो भी रेडी हो गई है। अब डो को निकालेंगे। डो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पिज़्ज़ा डो का लिंक। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको हाथों से इस तरह से रब करेंगे। ठीक है, हाथों से 1 मिनट अच्छी तरह से इसको मसलिएगा ताकि इसमें जो हमने पिज़्ज़ा वो डाली थी, ईस्ट डाला था इसमें, तो उसकी जो वो है वो ख़त्म हो जाए, जो उसके बबल्स हैं ईस्ट के। ठीक है, वो ख़त्म हो गए। देखिए मैंने 1 मिनट इसको हाथों से मसला है और ये सही हो गया। ठीक है, और इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे। ठीक है, दोबारा से कवर करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। इसी तरह से मैं इसको रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए, हटाते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, रोलिंग पिन ले लेंगे। ये मेरे पास रोलिंग पिन है। थोड़ा सा मैदा डालेंगे, ऊपर डालेंगे और इसको हाथ से ऐसे फैला लेंगे हल्का सा। ठीक है, और इसको रोलिंग पिन से हम बेल लेंगे। ये देखिए इन डो को मैंने बढ़ा लिया है। ठीक है, ज़्यादा मोटी ना रखिएगा क्योंकि जब ये बेक होगा तो ज़्यादा और ज़्यादा डबल होगा साइज़ में जब हम इसे ओवन में रखेंगे बेक करने के लिए। तो नॉर्मल बेलिएगा। ये देखें ये 1 इंच ही मोटाई है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये मेरे पास कटर है राउंड, कोई भी आपके पास कटर हो, इससे क्या होगा कि हमारे जो पिज़्ज़ा हैं वो शेप में बराबर बेक होंगे। इस तरह से कट कर लें। आज मैं आपको पतीले में बनाना भी सिखाऊंगी और ओवन में बनाना भी सिखाऊंगी, दोनों तरीकों से सिखाऊंगी कि किस तरीके से बेक करते हैं। काफ़ी सारी मेरी बहनें जो हैं वो परेशान होती हैं कि पतीले में कैसे बेक करते हैं, तो मैं पतीले में बनाना भी बताऊंगी आपको। ठीक है, ये देखें इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये भी डो जो है अभी दोबारा बेल के इसको भी मैं इसका पिज़्ज़ा बनाऊंगी। इसको भी रख देते हैं साइड पर। और ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है जिसमें हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो बेक करेंगे। इसको हल्का हल्का मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ सारी ट्रे को। ठीक है, ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया। अब सारे जो ये हमारे ये हैं इसको उठा के हम रखेंगे इधर एहतियात से। ये देखें इस तरह से हम उठा के इसको ट्रे में रखेंगे। कुछ मैं बेकर के रखती हूँ, ज़रा फासले से रखिएगा क्योंकि ये फिर फूलेंगे भी सही। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, फोक ले लेंगे। ये मेरे पास फोक है, इससे हम निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से
इससे क्या होता है, फोक करने से हमारी डो जो है एक तो फटती नहीं है जब बेक होती है और फूलती नहीं है ज़्यादा गुब्बारे की तरह। तो इसी तरह से मैं फोक कर लेती हूँ सारे जो हमारे हैं पिज़्ज़ा की रोटियाँ जो हैं, ठीक है। सब पे मैंने फोक कर दिया इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। इससे कलर बहुत अच्छा आता है जब आपका पिज़्ज़ा बेक होके निकलेगा। ऑयल की जगह आप बटर भी लगा सकते हैं, बटर को मेल्ट करके, हल्का हल्का मेल्ट करके इसको भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़। ठीक है, ये देखें। और अब हम इसके बाद जो हमारे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, ओ सॉरी, पिज़्ज़ा सॉस जो है ये हम लगाएंगे ऊपर। इस तरह से लगा लेंगे, जितनी ज़्यादा आप लगाना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऊपर लगा दी है, ठीक है। अब थोड़ी सी जो हमारे पास मोज़रेला चीज़ है वो ऊपर डाल देंगे फैला के। ये देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने ऊपर डाल दी है इस तरह से। और उसके बाद अब हम जो हमारे पास हमारी चिकन थी ये लगा देंगे अच्छी तरह से। फिर प्रेस करते जाइएगा हाथ से। ये देखें इस तरह से। देखिए चिकन मैंने ऊपर लगा दी है, थोड़े से हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हाथ से जो वेजिटेबल्स हैं उनको फिर आप प्रेस करती जाएंगी ताकि वो नीचे वाली जो फिलिंग है, चीज़ें हैं उसके साथ वो चिपक जाए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। और इसके बाद आप कैप्सिकम जो हमारे पास शिमला मिर्च थी ये डाल देंगे ऊपर। ठीक है, वेजिटेबल डालने के बाद हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ऊपर। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कर दें। ठीक है, अब वेजिटेबल्स को हाथ से ऐसे प्रेस कर दें। और साथ ही अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी जो मोज़रेला चीज़ है। ठीक है, मोज़रेला चीज़ मैंने ऊपर डाल दी। और ये जो मेरे पास स्लाइसेस थे इनको थोड़े थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से ऊपर फैला के डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, स्लाइसेस कट करके डालने के बाद थोड़े से मेरे पास ये ओरिगानो लीव्स हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऊपर फैला के डाल देंगे, थोड़ा हाथ से मसल लीजिएगा।
इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे लोग ऑलिव्स भी डालते हैं, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, अगर वो आप डालना चाहें तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि बच्चों को इतने पसंद नहीं आते, और फिर मिनी पिज़्ज़ा है तो काफ़ी सारी फिलिंग है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस पर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स जो मिल जाते हैं वो भी आप इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो रेडी हो गए ओवन में बेक करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि हमारी डो थोड़ी राइज हो जाए, तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे ओवन में। ओवन मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 सेंटीग्रेड पे, और ये हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा है ये तकरीबन बेक हो जाएगा 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको पतीले में बताऊंगी कि पतीले में हम किस तरीके से बेक कर सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए, इसको मैंने कवर करके रख दिया था, ठीक है। अब ये देखिए साइज़ में थोड़ी डबल हो गई है हमारी डो। अब मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए रखती हूँ 180 सेंटीग्रेड पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारे पिज़्ज़ा जो हैं वो बेक हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि पतीले में कैसे करेंगे आप। और अब मैं आपको बताऊँगी कि आप पतीले में या कढ़ाई में कैसे बना सकते हैं अपना पिज़्ज़ा। अब ये देखें, ये मैंने इस तरह की ली है शीशे वाली कढ़ाई, इससे क्या होता है हमारा पिज़्ज़ा हम देख सकते हैं अंदर से कैसे बेक हो रहा है। तो इस तरह की कढ़ाई ले लें, और उसमें सेंटर में इस तरह से खाली कढ़ाई के अंदर आप रख देंगे एक मोल्ड। ये काफ़ी गर्म हुआ पड़ा है, ये मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले। ये सेंटर में इस तरह की कोई राउंड मोल्ड रख देंगे या कोई स्टैंड रख देंगे स्टील का, जिस तरह पतीले में मैंने आपको सिखाया है, और ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है। इसको खाली कढ़ाई को आपने फिर गर्म करना है 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, ठीक है। जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए फिर आपने इसका ढक्कन खोलना है, और ये जो पिज़्ज़ा है ये मैं इसमें बनाऊंगी, कढ़ाई में बनाऊंगी, मतलब पतीले में बनाऊंगी, इसको मैं स्टैंड के ऊपर रख दूंगी, ठीक है। और इसका ढक्कन फिर मैं बंद कर दूंगी। ढक्कन बंद करने के बाद मैं थोड़ी सी फ्लेम जो है ज़्यादा कर दूंगी, ठीक है। फ्लेम को मैं ज़्यादा कर दूंगी, मतलब मीडियम फ्लेम कर दूंगी, ताकि थोड़ी हमारी जो अंदर से हीट है वो भर जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, जैसे हम चावलों का दम लगाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और ये पिज़्ज़ा टाइमिंग जो होती हैं एक ही होती हैं, थोड़ी बहुत टाइमिंग ज़रा पतीले की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है कि अगर वहाँ पे पिज़्ज़ा 10 से 12 मिनट में होगा तो यहाँ पे तकरीबन 13 से 14 मिनट में होगा, लेकिन आप ऊपर से देखती रहिएगा, जैसे ही आपकी चीज़ मेल्ट होगी और पिज़्ज़ा डो आपकी फूल जाएगी तो आप फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको रख दिया बेक होने के लिए, फ्लेम मैंने थोड़ी ज़्यादा की हुई है, मीडियम से थोड़ी कम की हुई है। जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, ठीक है। लो फ्लेम पे मैं इसको बेक करूँगी, मैं देखती रहूँगी ऊपर से, तकरीबन ये भी ऐसे ही बेक होगा, 10 से 12 या 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से चेक करती रहूँगी, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो ओवन वाले पिज़्ज़े हैं वो बेक हो के आ चुके हैं, और जो मैंने अभी पतीले में रखे थे बेक होने के लिए वो अभी बेक हो रहे हैं, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। ये देखें कितने खूबसूरत बेक हुए हैं, डो का कलर देखें, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं। अभी ये थोड़े गर्म हैं, मैं फिर आपको उठा के और इसे कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, इसकी डो देखें बहुत सॉफ्ट है, अभी हमारे पतीले वाले बेक हो जाएं तो मैं आपको वो भी निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, 12 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाते हैं, हमारी चीज़ देखें, और ये वाले पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो गया। अब इसको अभी ये गर्म है, देखिए धुआं निकल रहा है, इसको फिर हम बाहर निकालते हैं। 19-20 का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि कलर का फ़र्क होता है, उसमें ओवन में थोड़ा ज़्यादा कलर आता है, इसमें कम आता है, लेकिन बनते ये भी बहुत मज़ेदार हैं, सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, थोड़ी देर तक ठंडे हो जाएं। व्यूअर्स, हमारे पतीले वाले भी बेक हो गए, सिर्फ कलर का फ़र्क है, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें, ये देखें इसकी डो देखें, आपको पता चल रही होगी, पीछे से देखें, ये देखें ये पीछे से भी बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। और ये हमारे ओवन वाले हैं, ओवन वाले भी मैंने आपको उठा के दिखाए हैं, ये देखें पीछे से देखें कितनी ज़बरदस्त डो बनी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनते हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा,
और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।